हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज हम बनाएंगे वेलवेट के कपड़े में से बहुत हेवी पोशाक लड्डू गोपाल के लिए। तो मैंने ऐसे राउंड में वेलवेट कट कर लिया है, उसके पीछे मैंने कैनवास लगा दिया है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे और कमर पट्टी कट करेंगे। हम जो बीच का राउंड शेप है वो कट करेंगे। यहाँ से हम इसको आधा इंच लेंगे, आधा इंच हम राउंड में कट करेंगे। मेरे 3 नंबर के लड्डू गोपाल है, मैंने इसलिए आधा इंच लिया है। अब यहाँ से हम बीच में कट लगाएंगे एक। ये मैंने कट लगा दिया है। अब इसके हम दोनों तरफ पहले लेस लगा देंगे। आप कोई भी लेस ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऐसे गोल्डन लेस लिए। दोनों तरफ मैं लेस लगा दूंगी। ये वाला लेस लगा दिए, दोनों तरफ लेस लग गई है। अब इसके हम राउंड में भी यही लेस लगा देंगे चारों तरफ। ये लेस लग गई है चारों तरफ। अब हम कमर पट्टी बनाएंगे। कमर पट्टी के लिए मैंने ऐसे लंबी पट्टी कट कर ली है और इसको हम पहले उल्टी तरफ लगाएंगे। पहले हम इसको पीछे की तरफ लगाएंगे, फिर आगे की तरफ मोड़ेंगे। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, जैसे रेडीमेड कपड़ों में मिलती है वैसे ही आएगी। ये मैंने लगा दिए पीछे की तरफ। अब मैं इसको आगे की तरफ मोड़ लूंगी। मैं ऐसे बीच में थ्रेड डाल के इसको ऐसे आगे की तरफ मोड़ लूंगी। इसको ये हो गया है, एक कमर पट्टी रेडी हो गई है। मुझे कितनी सुंदर लग रही है, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी अगर आप ऐसे करोगे तो। अब इसको हम कुछ डेकोरेट करेंगे। मैं इस तरफ यहाँ पे भी ऐसे लेस लगाऊंगी जो मैंने चारों तरफ लगाई है, वो लेस वो कमर पट्टी के आसपास में वही लेस लगाऊंगी। ये मैंने लेस लगा दिए। ये लेस लगाने से इतना हेवी लग रहा है। अब इसमें हम दूसरा कुछ भी करेंगे, इस बार कुछ अलग करेंगे डेकोरेट हम। मेरे पास ऐसे डायमंड की लेस पड़ी थी, मैंने उसको कट कर लिए। जो गोलाई की चौड़ाई है उसके नाप के कट कर लिए मैंने। और मैं इसको ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे पेस्ट करूंगी। आप ग्लू गन से भी लगा सकते हैं या फेवी बॉन्ड से भी लगा सकते हैं। इसको थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम ऐसे सेट कर लेंगे। आप यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं। लगाने के बाद ऐसी लगेगी, कितना हेवी लुक दे रहा है ये पोशाक। रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे बीच में भी कुछ लगाएंगे। मेरे पास यहाँ पे छोटे छोटे मिरर है, कांच है, मैं वो लगाऊंगी यहाँ पे। उससे ये पोशाक और भी हेवी लगेगा। ये ऐसे मिरर का, ऐसे कांच का मैं यूज करूंगी यहाँ पे। आप पैच भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ये मैंने कांच लगा दिए ऐसे राउंड में।
पोशाक एकदम हेवी लग रहा है। आप इसे किसी फेस्टिवल में भी पहना सकते हैं कान्हा जी को। इसे हम बाजार में मिलता है वैसा ही पोशाक बन गया है घर पे। अब दूसरा कोई फैब्रिक भी ले सकते हैं, लेकिन वेलवेट में कुछ ज्यादा अच्छा लगेगा ये। अब ऊपर की चोली बनाते हैं। चोली हम भर बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, दो पट्टी कट करके बीच में से सिल लेंगे और दोनों तरफ ऐसी लेस लगा देंगे। अब नीचे की तरफ से मोड़ के थ्रेड लगा देंगे हम इसमें। थ्रेड लगा दिए, ये पोशाक रेडी हो गया है। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। आप भी अपने लड्डू गोपाल के लिए घर पे आसानी से ऐसी पोशाक बना सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। राधे राधे।